हेलो जय माता दी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज से नवरात्रि स्टार्ट है। आज 13 तारीख है और दिन है आज मंगलवार, और सारा काम हो चुका है, फिनिश। हम नहा के रेडी हो गए हैं और अभी माता का जो दरबार है वो लगाएंगे। तो आप माता का दरबार किसी भी टाइम लगा सकते हो वैसे तो, लेकिन कुछ शुभ मुहूर्त होते हैं अगर उनमें लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मैं लगा रही हूँ भाई अपना सारा काम फिनिश करने के बाद, और अभी बस सारा काम हो चुका है तो चलिए फिर माता का दरबार लगा लेते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि आपके अच्छे से निकले भाई, सबके खुशी खुशी। और तो चलिए फ्रेंड्स, फिर सबसे पहले हम फूल तोड़ लेते हैं। कुछ फूल लगे हुए हैं येलो और पिंक। तो फ्रेंड्स, हमारा जो माता का दरबार है वो लग चुका है। तो मैंने अब की बार बगैर मंदिर के ही जो माता की चौकी है वो लगाई है, और बिल्कुल सिंपल से तरीके से लगाई है ताकि कोई भी इस तरह से लगा सके। जिन लोगों के पास भाई मंदिर नहीं है घर में और वो कहीं भी लगा सकते हैं, चौकी पे लगा सकते हो, या फिर कोई आपके पास पट्टा वगैरह हो उस पे लगा सकते हो, कोई टेबल है उस पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने LCD पैनल जो हमने बनवाया था उसी के ऊपर मैंने अब की बार माता का जो दरबार है वो लगाया है भाई, और बिल्कुल सिंपल तरीके से। और कोई भी चीज़ मार्केट से ऐसे डेकोरेशन के लिए कुछ यूज़ नहीं किया है, घर में ही फूल लगे हुए थे। और जो भी आपके पास फ्रूट होते हैं वो फ्रूट भी आप पूजा में रख दें, और जब भी नवरात्रे होते हैं ना जितने दिन के लिए, तो आप जो भी फ्रूट खाते हो कुछ भी खाते हो तो माता के जो मंदिर से उठा के ही खाओ, क्योंकि वहीं रख दो, क्योंकि फिर वो प्रसाद का रूप बन जाते हैं। तो जो भी फ्रूट आपके घर में अवेलेबल है वो आप पूजा में रखते जहाँ पे आपके माता की चौकी लगी हुई है, और फिर उसी फ्रूट को आप खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। और भाई अच्छे अच्छे काम करो। ऐसा बोला जाता है कि लेडीज जो सुहागन लेडीज होती है, अगर वो लाल कपड़े पहनती है, लाल चूड़ियाँ जो भी है, मेहंदी वेहंदी लगाती है, तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। और ये देखिए गणपति महाराज और ये अम्बे माँ की तस्वीर। और आम के पत्ते मेरे को मिले नहीं, इसलिए मैंने जो अशोक के पत्ते होते हैं उन्हीं को यूज किया है।
और बस अब की बार अखंड जोत हमने नहीं जलाई है, सिंपल ये छोटी वाली जोत है वो जला ली है। तो ये घी की, देसी घी की माता की और ये भैरू की, तो दो जोत जलती है यहाँ पे। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी अष्टमी। और आज है अष्टमी और सुबह का टाइम है, जल्दी सब नहा लिए हैं भाई और झाड़ू पोछा हो गया है और मैं लगी हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हलवा और एक साइड बना रही हूँ पूरी, दो दो तीन तीन काम एक साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ केसर का हलवा और अभी बस कंजक आने वाली है, फिर उनको खाना खिला देती हैं, उससे पहले कर लेती हैं पूजा। ये हमारा गर्मा गर्म केसर का हलवा हो गया है रेडी, बिल्कुल जैसे भंडारे में मिलता है ना प्रसाद का, वो ही हलवा लग रहा है। और इसमें मैंने घी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रखी है, ये देखिए आप। अदरवाइज भी कढ़ाई में चिपकता, अब ये चिपक नहीं रहा है भाई, ये देखिए। और इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए काफ़ी सारे और यहाँ पे पूरियाँ हो गई है रेडी, तो दो काम मेरे एक साथ चल रहे हैं भाई। और इस हलवे में मैंने केसर डाल दिया है, काजू बादाम किशमिश ये चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है, इलायची पाउडर डाल दिया है, केसर डाल दिया है। तो ये मिक्स सा टेस्टी सा हलवा हमारा बन के रेडी हो गया है, ये देखिए भाई, सच में एकदम दानेदार बना है। ये मसाला चना है वो भी बन गए हैं, ये देखिए सब्जी है वो बन गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भोग का सामान है वो बन गया है, तो सबसे पहले हम पूजा करके और माता रानी का है भोग है वो लगा देते हैं, उसके बाद फिर कंजकों को खाना खिलाएंगे। फ्रेंड्स सबने खाना खा लिया है और आज का जो व्लॉग है वीडियो है मैं यहीं पे बंद कर देती हूँ। और नवरात्रों के बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि पहले बेटी बीमार हो गई थी, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए जिस दिन मैंने चौकी लगाई है उस दिन की वीडियो बनाई है। और जिस दिन अष्टमी यानी कि आज जिस दिन हमने कंजकों को खाना खिलाया है वो वीडियो थोड़ी थोड़ी करके शेयर की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी।